आज इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दो उन वीर युवकों को प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह जिन्होंने कन्हैयालाल जिसने पहले सरकार से सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा के अभाव में आतंकवादियों ने ऐलानिया उनका संकलन किया, उन हत्यारों को पकड़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ये दोनों युवक हमारी सांसद महोदय से पिछले दिनों में 3-4 बार मिले। इनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि जब इनको यह मालूम पड़ा कि कन्हैयालाल का सर कलम करके दो खूंखार आतंकवादी मोटर बाइक से भाग रहे हैं, ये 25 किलोमीटर तक इन्होंने उनका पीछा किया आतंकवादियों का, पुलिस से संपर्क किया, अपनी लोकेशन भेजी और इनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सूरत में नौकरी करते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद इनके मालिक ने इनको कहा कि आप यहाँ हमारे यहाँ आओगे, आपका नाम अखबारों में छप गया और यहाँ आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे, इसलिए अब आपको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये इनको उस समय जिला कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र दिया, 15 अगस्त को सम्मानित किया और जिला अधीक्षक ने अभिशंसा की कि इनको हथियार दिया जाए। घटना के 4 दिन बाद में ये एक माननीय विधायक भीम के विधायक के साथ और आरटीडीसी के चेयरमैन के साथ ये मुख्यमंत्री जी ने इनको तलब किया, इनसे मिले, इनकी पीठ ठोकी और इनको कहा कि आपको सुरक्षा भी देंगे, नौकरी भी देंगे और आपको लाइसेंस का हथियार मिले इसकी व्यवस्था भी करेंगे। वो बात जब लंबा समय बीत गया, इन्होंने प्रभारी मंत्री वहां के उदयलाल अंजाना से संपर्क किया। उदयलाल जी ने कहा कि जब कभी आपके साथ कोई घटना हो जाएगी उसके बाद आपकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी जो वहां आसिंद के रहने वाले थे, जब गिरफ्तार हुए उसके बाद उनके घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए, परंतु इन पर किसी प्रकार की इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। इन्हें लगातार यह आशंका रहती है, स्थानीय पुलिस ने इनको कह रखा है कि आप बाहर नहीं जाओगे, यात्रा करोगे तो पुलिस को सूचना करेंगे देंगे। और आज ये नौकरी खोए हुए दोनों नौजवान जिनको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी भी मिलेगी, ये अपनी व्यथा को लेकर जब हमारे पास आए, इस सरकार के चलते सांप्रदायिकता के आधार पर वोट की फसल काटने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी हम भगवा रैली निकली करणी सेना की, कुछ नौ